नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम आपके लिए दो शेयर लेकर आए हैं। पहला शेयर हमने प्लास्टिक एक्सट्रूजन बनाने वाली कंपनी का लिया है, जिसने एक पर एक का बोनस डिक्लेयर कर रखा है और रिकॉर्ड डेट भी 8 अगस्त 2024 है। एक वर्ष में 850% का रिटर्न दिया है। दूसरा शेयर माइक्रो कैप होटल्स है, होटल्स कंपनी है, बहुत छोटी सी पूंजी है, 12-13 करोड़ की कंपनी का शेयर है। दाम 20 रुपए से भी कम है, कंपनी प्रॉफिट में है, एक वर्ष में 50% का रिटर्न दिया है। यह शेयर हमने 10 रुपए में भी बताया था और 15 रुपए में भी बताया था। अच्छा शेयर है, वैसे तो हम बताते नहीं हैं पैनी शेयर, लेकिन जो फंडामेंटली ठीक शेयर होते हैं उनको हम ले लेते हैं अपने शॉर्ट लिस्ट में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। उससे पहले आपसे हमारा अनुरोध है, एज यूजल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और साथ ही आप लाइक ज़रूर कीजिए। आपकी एप्रिसिएशन हमें अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है एप्रिसिएशन, तो वी आर नॉट एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। तो दोस्तों शेयर भी कीजिए। हम आज बात करेंगे राजू इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयर पर। ब्रीफ में बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स और प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। राजू इंजीनियर्स लिमिटेड की स्थापना 1986 में हुई थी। यह गुजरात में प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीनरी बनाती है और ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड समाधान पेश करती है। कंपनी का मुख्यालय गुजरात में है। उत्पाद और प्लेटफार्म मोनो और मल्टी प्लेयर बलून, फिल्म लाइन्स, फाइल XTM आदि, क्रॉस फिल्म लाइन, मल्टी फाइल एम्स आदि, लेमिनेशन भी करती है, क्रॉस लेमिनेशन फिल्म लाइन में भी है। यह एशिया की पहली कंपनी है जिसने ग्राहकों के लिए R&D सेंटर शुरू किया है, जिसमें ग्राहक उत्पादों का परीक्षण कर सकते हैं, कुल और अनुकूलित उत्पादों की पेशकश कर सकते हैं। कंपनी को बाउसोनो एंड फिगली इटली, MEAF मशीन्स BV नीदरलैंड और बंडरपैक नासिक भारत के साथ साझेदारी की है। कंपनी के ग्राहक देखें तो यूफ्लेक्स, रिलायंस इंडस्ट्री, इंडियन ऑयल, बिनीवर्स, सुवी इंटरनेशनल, सिंथेटिक पैकेजिंग, अभिनव इंडस्ट्रीज और SD इंटरनेशनल है। हर साल लगभग 60% व्यापार बार बार ऑर्डर के माध्यम से होता है। 60% बार बार माध्यम का मतलब है कि उन्हीं ग्राहकों से। कुल बिक्री का 47% निर्यात से है। 70 से अधिक देशों में प्रतिष्ठान है, यूरोप में और अमेरिका आदि देशों में है। विनिर्माण सुविधा, राजू इंजीनियर्स की विनिर्माण और डिजाइन सुविधा राजकोट में स्थित है। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी तो हम बात नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस मॉडल तो अच्छा है, साफ सुथरा है, छोटा सा है। मार्केट कैप 2773 करोड़ की है। डिविडेंड भी देती है 0.08% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.10% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.80% है। फेस वैल्यू 1 रुपये। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.80 लगभग 18% और कैपिटल पे जो रिटर्न है वो 24% है। तो दोस्तों ये तो हुई ना इसकी कुछ मेन पॉइंट्स। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपया है। कंपनी ऋण मुक्त है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी पिछले 5 वर्षों में 20% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है, अच्छी होती है 20%। आजाद इंजीनियर तेगा इंडस्ट्रीज इसकी पीयर कंपनीज है। कंपनी ने जून तिमाही के रिजल्ट्स दे दिए हैं। जून 23 और जून 24 के हम रिजल्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 31.21 करोड़ थी, जो जून 24 में 50.87 करोड़ होगी। OPM 9% से 14% हो गया। नेट प्रॉफिट 2.40 करोड़ से
5.34 करोड़ हो गया, अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। 3 वर्ष की CAGR स्टॉक प्राइस है जो 141% है, जो FD पे 6 या 7% मिलती है CAGR रिटर्न से, वही 141% है। रिटर्न ऑन इक्विटी है जो 3 साल की एवरेज 15% है, लेकिन TTM है जो वो 18% है। शेयर कैपिटल 6 करोड़ की है, रिजर्व 113 करोड़ के हैं, बोरिंग 2 करोड़ है, जैसे हमने पहले बताया कि डेट फ्री है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट भी 4 करोड़ की है। कंपनी के साइज के हिसाब से बैलेंस शीट अच्छी है, सॉलिड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 66.56% की इक्विटी है, FII ने एंट्री ले ली है 0.27% है, पब्लिक के पास 33.16% की इक्विटी है। फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो अब हम प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा कर लेते हैं। दाम 450 रुपये हैं, 52 वीक हाई एंड लो 450 एंड 48 है, ऑल टाइम हाई पे यही चल रहा है ये शेयर। EPS 3.67 रुपये है, PE 122 है, सेक्टर PE 64 है, उससे थोड़ी महंगी नज़र आती है, लेकिन यह अपने फील्ड का लीडर है और इसकी PE हमेशा ही महंगी रही है। अगर आज आप महंगा खरीदेंगे तो महंगा ही बिकेगा ये, ऐसा लगता है, लेकिन यह अपने फील्ड का लीडर है और इसकी PE हमेशा से महंगी रही है। इसकी पीयर कंपनी आज़ाद इंजीनियर्स 163 की PE पर मिल रही है, ऐसा नहीं है अकेला यही मिल रहा है, अपनी पीयर कंपनियों में आज़ाद इंजीनियर भी 163 की PE पर मिल रही है। कंपनी ने 1 पे 1 का बोनस दिया है, जो भी आपके पास शेयर हैं 8 अगस्त तक होंगे तो उन पे 1 फ्री में शेयर और मिलेगा, और रिकॉर्ड डेट 8/24 है। 1 महीने में 42%, 3 महीने में 80%, 1 वर्ष में 850%, 3 वर्ष में 1295% और 5 वर्ष में 3565% का रिटर्न है। BSE कोड 522-257 है, 5222-257 है, 1 वर्ष का अनुमान 4,90 रुपये है, 490 रुपये का है फोरकास्टिंग कंपनी के द्वारा। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 3 वर्ष में 1,000 रुपये तक जा सकता है। तो दोस्तों, दूसरा शेयर हमने लिया है जो वो पैनी शेयर है, इसमें 100% रिस्क होता है, बहुत कम निवेश करना चाहिए और निवेश भी फंडामेंटली स्वयं से जांच करके करना चाहिए। हम इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं दे रहे, हमारे जो वीडियोज होते हैं वो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए होते हैं, ताकि आपको कंपनी की बैलेंस शीट और फंडामेंटल्स की नॉलेज हो जाए। कंपनी संस्कार नगरी वडोदरा में रिवाइवल लॉर्ड्स इन के नाम से होटल चला रही है, यहाँ से सायाजी बाग का नज़ारा दिखता है, यानी कि साइट बहुत अच्छी है। कंपनी होटल और मोटल क्षेत्र में काम करती है, 54 विशाल कमरे हैं इसके अंदर और अच्छी तरह फर्निश्ड हैं, सेंट्रली AC हैं, वाईफाई युक्त हैं, बहुव्यंजन सुविधा वाला रेस्तरा, ब्लू कोरिएंडर, भोज हाल, शराब की दुकान, स्वास्थ्य क्लब आदि भी इसके साथ अटैच्ड है। बाजार का आकार 13.5 करोड़ है, 13.5 करोड़, माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, थोड़ा सा झटका लगा तो ख़त्म भी हो सकती है और थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट आया तो बहुत प्रॉफिट भी दे सकती है। कीमत 18 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 22.90 रुपये और 10 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.56% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.24% है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी लगातार अच्छे तिमाही नतीजे पेश कर रही है। शेयर कैपिटल 7.47 करोड़ है, बोरिंग 2.83 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 1.1 करोड़ है। तो प्रमोटर शेयर कर्जा भी कोई ऐसा नहीं है कि कंट्रोल में ना हो। प्रमोटर्स शेयर 54.63% है, DII का 3.48%। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इतनी छोटी कंपनी में DII का 3.48
48% हिस्सा है और पब्लिक के पास 41.88% है। यह शेयर सेक्टर पी 75 से बहुत नीचे 24 की पी पर मिल रहा है। सस्ते दाम है, रखने में कोई हर्ज भी नहीं है, थोड़े बहुत शेयर इतने सस्ते। लार्ज होटल में जल्दी अच्छी खबर आ सकती है, कंपनी प्रॉफिट में है, इसके पास रिप्यूटेड होटल है। इक्विटी पर ऋण 0.51% है, जैसे मैंने पहले कहा कि ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ऋण कम है और लगातार कम हो रहा है, ये मैंने चेक किया है, लगातार कम हो रहा है। बहुत छोटी कंपनी है, रिस्क 100% है और 100% ही मुनाफा दे सकती है। यह कंपनी एक साल में 24-25 रुपये तक आप रख सकते हैं, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेके इसमें इन्वेस्ट थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।